अब मैं कम से कम उनसे छुटकारा तो पा सकती हूँ। ऐसा लगता है कि हमारी चुनौती हमारा इंतजार कर रही है केक के साथ। चलो मैं शुरू करती हूँ। मुझे वास्तव में दिलचस्पी है कि किस तरह का स्वादिष्ट मेरे केक को पूरा करेगा। वाह, ये पहिया अंतहीन रूप से घूम सकता है, लेकिन मैं उसे रोक सकती हूँ। मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। क्या बसा भी? लेकिन मैंने इतना सपना देखा कि मुझे कुछ स्वादिष्ट मिलेगा। मैया, पहिया घुमाने की तुम्हारी बारी है। मुझे आशा है कि मैं कम से कम भाग्यशाली हूँ। वाह, लेकिन अगर एरो बीच में है तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं गलत थी, मुझे दोनों मिल गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं केक को सजाने और इसे और भी स्वादिष्ट बनाने में सक्षम होऊंगी। मुझे न्यूटेला पसंद है, लेकिन इसे केक पर समान रूप से कैसे फैलाया जाए? बिल्कुल। मदद के लिए मुझे निर्माण सहायक टूल्स की जरूरत होगी। स्पैचुला को मेरी मदद करनी चाहिए। बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। काश मैं भी इस केक को आजमा पाती। और अभी यह खत्म नहीं हुआ है। अब मुझे एक रोलर के साथ केक पर चॉकलेट को अच्छी तरह से स्मेयर करने की जरूरत है। और अब मैं चॉकलेट पर जा सकती हूँ। यह चॉकलेट लेती हूँ। हमें रैपर से छुटकारा पाने की जरूरत है, फिर हम काम पर लगेंगे। वाह, डायमेंशन के साथ गलती ना करना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सबसे पहले मेजरिंग टेप के साथ सब कुछ मापना महत्वपूर्ण है। सब आकार में पूरी तरह मेल खाता है। अब आखिरकार मैं केक पर चॉकलेट बार सजा सकती हूँ। तुम किसका इंतजार कर रही हो? तुम्हारे पास अभी भी वसाबी की पूरी ट्यूब है। हाँ, उनकी महक भी तीखी है, लेकिन मैं साबित करूँगी कि मैं बहादुर हूँ। मैं किसी तरह की वसाबी से नहीं डरती। अब मुझे इस वसाबी को केक पर फैलाना है। ऐसा करने के लिए मैं एक स्पैचुला का उपयोग कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि मियाँ बुरा नहीं मानेगी। हाँ, यहाँ कुछ न्यूटेला भी बचा है। तैयार। बेशक स्पैचुला को धोने की कोई जरूरत नहीं है। इसे वापस मियाँ के पास देना बेहतर है, ताकि वो अपने अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट केक में कुछ तीखापन ला सके। अजीब बात है, चॉकलेट हरी क्यों है? वसाबी की तरह है। केट, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर आँख में लग जाती तो? बस बातचीत बंद करो, यह खाने का समय है। ऐसा लगता है कि केट ने अपना दिमाग पूरी तरह से खो दिया है। मुझे शुभकामनाएं दो। तो क्या इसका स्वाद तुम्हें अच्छा लगा? मेरे लिए केक चखने का समय हो गया है। कुछ मुझे बताता है कि सिर्फ जादू ही होगा। मैं सही थी, मैंने पहले कभी इतना स्वादिष्ट केक नहीं चखा है। मैं बस नहीं रुक सकती, ये एक असली चॉकलेट बम है। ओह, चॉकलेट बम! मेरे पास केक नहीं है, लेकिन असली आग है। चलो, खाती हूँ। आह, मैं सही थी, मेरा मुंह जलने वाला है। मदद करो, बचाओ! और चाहिए? ओह, किसी और का केक लेने के लिए सजा का पहिया तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह और खराब नहीं होगा? ओह नहीं, मुझे अंडे से नफरत है। तुम्हारे साथ सही हुआ, तुम्हें पता चल जाएगा कि किसी और से चोरी करने से क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें केक में अंडे डालने की जरूरत है। अगर तुम्हारे सर पर भी अंडा हो तो चलेगा। आह, कितना खराब, मैं पूरी गीली हो गई हूँ। घिनौना। यह स्वादिष्ट होगा। मिया, तुम क्यों सो रही हो? स्पिन करो। हाँ जरूर। अरे, मुझे कैंडीज मिले हैं। मुझे क्या मिलेगा? कुत्ते का खाना। लेकिन मैं कुत्ता नहीं हूँ। लेकिन तुम्हें इसे खाना होगा। स्वादिष्ट कैंडीज की एक पूरी जार मेरी प्रतीक्षा कर रही है।
awesome! किसी ने कभी कुत्ते के खाना को नहीं खाया होगा, शायद ये वास्तव में स्वादिष्ट है, लेकिन मैं इसे खोल नहीं पा रही हूँ। यहाँ एक विशेष स्ट्रिप है। इस खाने की गंध से मैं बीमार पड़ जाऊंगी। और मुझे वास्तव में कैंडीज पसंद है, वे बहुत खट्टे हैं पर स्वादिष्ट। अब मैं इसे केक पर डाल सकती हूँ। यह दोनों साथ में बहुत अच्छे से जाते हैं। बहुत बढ़िया, यह खूबसूरती से निकला। मुख्य बात यह है कि यह स्वादिष्ट भी है। अच्छा, चलो खाकर देखते हैं। कितना सुंदर टुकड़ा है, खट्टापन महसूस हो रहा है। मुझे पसंद आया। मुझे देखना बंद करो, बेहतर होगा कि तुम अपना खाना खाओ। अगर मैं पैक से बाहर निकालती हूँ तो बहुत ज्यादा निकलेगा। मुझे लगता है कि एक मुट्ठी काफी होगा। बिल्कुल नहीं, सब कुछ, जल्दी करो। तुम इतना गुस्सा कहाँ से लाती हो? लो, डाल दिया। अब तुम खुश हो? अब मेरे पास केक नहीं बल्कि पूरे खाने का कटोरा है। आशा करती हूँ कि मैं इसे खाने के बाद उल्टी ना कर दूँ। यह केक सच में बहुत खराब है। ओह, कुत्ते इस चीज को कैसे सहन करते हैं। वाह, हेलो बेबी, तुम बस समय पर हो। देखो मेरे पास कितना खाना है। क्या हो रहा है, ये कुत्ता कहाँ से आया? मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे एलर्जी है। यहाँ से चले जाओ। तुम सच में बहुत गुस्से में हो। अगर कुत्ता इसे खा सकता है तो मैं भी खा सकती हूँ। नहीं, मैं नहीं कर सकती। तुम किस बारे में चिल्ला रही हो? मेरी कैंडीज भी खट्टी है, बहुत ज्यादा खट्टी। तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए। यह अफसोस की बात है, मेरा फोन दूर है, नहीं तो मैं एक फोटो ले सकती थी। हाँ, जब तक तुम अपने खट्टेपन के कारण जमी हुई हो, तब तक मैं उसी का खाना दूंगी जिसके लिए वो बना है। बेबी, बोन एपेटिट। क्या कुत्ता यहाँ फिर से आ गया? केट, तुमने फिर से नियम तोड़े हैं, और जो तुम्हें मिला वो तुमने नहीं खाया। पनिशमेंट के पहिया का समय है। शायद इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, लगता है करना होगा। नहीं, यह मेकअप को बर्बाद कर देगा, लेकिन यह मजेदार होगा। अरे नहीं, मुझे तुरंत अपना चेहरा धोना होगा। और मुझे लगता है तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, क्या स्वादिष्ट सिरप है। एलेक्स, बदमाशी मत करो, देखो केट हमें टास्क दे रही है। ठीक है। यह डायनासोर है। तुम्हें अच्छे से इसे संभालना चाहिए। दादी, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। अभी इस अंडे को तोड़ने की जरूरत है। मुझे लगता है कि अंडे का शेल भी गिर गया है, और मैं इसे कैसे निकालूं? कच्चे अंडे को छूना एक अच्छा अनुभव नहीं है, ये बहुत स्लाइमी है। शांत हो जाओ, अब मैं तुम्हें एक लाइफ हैक दिखाऊंगी। यदि प्लेट में कोई शेल है तो इसे दूसरे शेल से हटा सकते हैं। देखो कितना अच्छा है, अब तुम खाना बनाना जारी रख सकते। और तुम मैरी, मुझे चीनी दो, मुझे उसकी जरूरत है। ओह, तुम्हारी वजह से मैं सिर से पांव तक चीनी में ढकी हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। कोई भी मुझे केक से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। एलेक्स, रुको, ज्यादा चीनी की जरूरत नहीं है। अच्छा, मुझे लगा कि मुझे बहुत की जरूरत है। ये अच्छा है कि मैं ध्यान से एक चुटकी डालता हूँ। अच्छा किया, यह सही है। या क्या, चीनी के बिना किस तरह का केक होता है? ज्यादा हो तो स्वादिष्ट होगा। तुमने क्या किया है, आप सिर्फ मेरे केक से जल रही है। खैर, अब दूध का इस्तेमाल किया जाएगा, केवल यह पता लगाने की जरूरत है कि इसे खोलूं कैसे। ओह, यह क्या, लेकिन कोई बात नहीं, दूध स्वादिष्ट है। आगे बढ़ता हूँ। ओह हाँ, आटा, मेरे पास एक पूरा पैक है। इससे ओह, बदबू आ रही है। कोई बात नहीं। ओह, उसे देखो, वो कितना डरावना है। भूत, बचाओ, ये मेरे लिए आया है। दादी, आप क्या कर रही हैं? ये मैं हूँ एलेक्स, बस मेरे चेहरे पर आटा है। ओह, माफ करना, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। मुझे माफ कर दो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। खैर, मेरे बैटर में काफी आटा होना चाहिए। अब इसे मिलाने का समय है।
और इसे विस्क के साथ करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाथ इसे तेजी से करेंगे। मैरी देखो कितना गंदा है। बैटर को अपने हाथों से मिला रहा है। डरावना। लोगों ने विशेष रूप से इसका आविष्कार किया है। यह बढ़िया है। नहीं, यह परफेक्ट नहीं होगा। एक अच्छे बैटर के लिए एक विशेष टूल की जरूरत है जो इस बैटर को सही कंसिस्टेंसी तक पहुंचाता है। ओह, हाथों का क्या? प्यार से सब कुछ करने का सबसे अच्छा साधन है। मेरे मिक्सर से क्या मिसिंग है? मुझे लगता है कि मैं कुछ कोको जोड़ूंगी। यह निश्चित रूप से उसके साथ बेहतर स्वाद देगा। देखो यह कितना सुंदर निकला। अब इसे ओवन में बेक करने का समय है। यह सच्ची में अच्छा है। और स्नैक खाने का समय है। ओह, मैंने बैटर में कुकी गिरा दी। यह एक संकेत है। मैं अपने केक में कुछ ओरियो कुकीज क्यों नहीं जोड़ता? कुकीज जिन्हें अच्छे से कुचलने की जरूरत है। बढ़िया आइडिया। देखो इस तरह से। ओह बढ़िया, यह सच्ची में कुछ बहुत स्वादिष्ट बना सकता है। और मैं शायद केक बैटर को रंग बिरंगा बनाऊंगा तो यह बहुत उज्जवल और ज्यादा सुंदर हो जाएगा। मिक्सचर को ओरियो से भरा जाना चाहिए और उसके बाद मैं अंत में केक को ओवन में रख सकता हूँ। थोड़ा और वह पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। मैरी केवल तुम ही बची हो। आह शांत हो जाओ। सबसे स्वादिष्ट केक को तैयार करने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। मुझे भी रंग मिलाने का आइडिया पसंद है। केवल मेरे मामले में बहुत सारे रंग होंगे। मैं मिक्सचर को छोटे कटोरे में विभाजित करूंगी, फिर इसे रंगीन रंग के साथ मिलाऊंगी। ओ सब तैयार है। यह बेकिंग का समय है और यहाँ मोल्ड है। ओह, दादी इतनी थकी हुई थी कि उसने यह भी नहीं देखा कि उसने बिल्कुल नई टोपी पहनी हुई है। देखो वह कितनी प्यारी लग रही है। यह टोपी नहीं है बल्कि मेरी बेकिंग डिश है। मैं सारे मोल्ड में एक ही रंग का बैटर डालूंगी और उन सभी को बेक किया जाना चाहिए। चलो करे। बेक? अरे हाँ, मैं अभी सब कुछ जलाने जा रही थी। ओह, मैंने इसे समय पर बाहर निकाला तो मैं केक को आगे बना सकती हूँ। अब तक मेरे पास ऐसे हाफ सर्कल है जो केक के बेस के रूप में काम करेगी। अब इसे स्ट्रॉबेरी सिरप से भरना होगा, लेकिन मुझे ऐसा फॉर्म की मदद से करना होगा। यह सिरप को समान रूप से फैलाने की अनुमति देगा। मैं वहाँ रंगीन चीनी के गोले भी डाल सकती हूँ। और तो यह सिर्फ एक केक नहीं है बल्कि एक प्रिंसेस ड्रेस है। मुझे राजकुमारी को खुद जोड़ना होगा। आपको यह आइडिया कैसा लगा? मुझे लगता है केट बहुत खुश होगी। ओह एलेक्स, तुम क्या कर रहे हो? मैं भी बेक कर चुका हूँ। देखो मुझे कितना प्यारा सा दिल मिला है। इस स्पंज केक की परतों के बीच एक स्वादिष्ट लिक्विड मार्शमेलो होगा। तुम्हें पता नहीं कि मैं उसे कितना पसंद करता हूँ। मैं इसे चक कर देखता हूँ। केक नोटिस भी नहीं करेगी। ओह बढ़िया, स्वादिष्ट। वाह, ये एक मास्टरपीस है। आज तुम क्या कर रहे हो? यह केट के लिए है। कोई बात नहीं, मैं छेद ठीक कर दूंगा। मेरे पास ये लिक्विड मार्शमेलो हाफी भी है और सामान्य रूप से मुझे उसे केक की पूरी सरफेस को कवर करने की जरूरत है ताकि यह बर्फ जैसा सफेद हो जाए। लेकिन इतना ही नहीं है, सब कुछ के अलावा मैं केक को चॉकलेट से सजाऊंगा। यह स्वादिष्ट और बहुत सुंदर दोनों होगा। और कैंडी क्यों नहीं जोड़े? उदाहरण के लिए चॉकलेट बॉल्स और सभी की पसंदीदा कैंडी M&M's। ताराम, मेरा केक तैयार है। एलेक्स अच्छा किया। मैरी तुम्हारे पास क्या है? मैं भी लगभग कर चुकी हूँ। मुझे रंगीन बिस्किट की परत मिली है, उनके बीच लिक्विड मार्शमेलो भी होगा। और वैसे भी एलेक्स तुमने मेरा आइडिया चुरा लिया। मैं भी केक को बर्फ जैसा सफेद बनाना चाहती थी और मैं यही करूँगी। लेकिन ये बहुत आसान है। अब मुझे ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि रंगीन बॉल्स को इस केक पर समान रूप से वितरित किया जाए। ये बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए ताकि केक को ना गिराए। दादी अपना मुंह बंद करो, ये अच्छा नहीं है। और वैसे भी ये अभी खत्म नहीं हुआ है। आखिरी टच एक रेनबो है जो इस केक के ऊपर दिखाई देगा और व्हिप क्रीम की मदद से बादलों का निर्माण किया जा सकता है। देखो
कितना सुंदर है। ठीक है, मैं केक पर एक प्यारा यूनिकॉर्न भी डालूंगी। यह बहुत सुंदर है। यह सच है, यह सबसे अच्छा केक चुनने का समय है। केक चुनाव तुम्हारा है। वाह, सभी केक बहुत अच्छे लग रहे हैं। दादी, मैंने हमेशा ऐसे केक का सपना देखा है, ताकि मैं इस मोल्ड को खुद उठा सकूं। कितना सुंदर है, आइडिया शानदार है। केक के साथ को जांचना बाकी है, चलो करती हूँ। ओह बिल्कुल सही। क्या मैं इस राजकुमारी को भी खा सकती हूँ? रुको, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या ये कार्डबोर्ड है? ओह ये बुरा है, और मैं उम्मीद कर रही थी कि राजकुमारी को खाया जा सकता है। ये एलेक्स के केक को खाने का समय है। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, लेकिन अब मुझे पूरे केक को आजमाना होगा। चलो करती हूँ। ओ वाव, ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं बहुत खुश हूँ। और अब शेफ मैरी का केक है। मैं मानती हूँ यह सबसे असामान्य और सुंदर दिख रहा है। मैं इसकी सुंदरता को खराब नहीं करूंगी और ध्यान से अपने लिए एक टुकड़ा काट लूंगी। अरे वाह, अंदर से भी रेनबो है। कितना अच्छा, यह अविश्वसनीय स्वाद का है। मैरी बधाई हो, यह एक जीत है। सच में हुर्रे। वाह, हम कहाँ हैं? हम यहाँ बंद हो गए हैं। ओह, हालांकि चिल्लाना बंद करो, ऐसा लगता है यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प है। मैरी तुम क्या कर रही हो? मैं इन बक्सों को खोलने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि अंदर क्या है। चलो देखती हूँ। देखो वहाँ कुछ और है, शायद इस बॉक्स में एक चाबी हो। मैं यह नहीं करूँगी। चलो पांच तक गिनकर डिसाइड करें कि कौन करेगा। मुझे चाबी लेनी होगी। अरे एक चाबी के लिए मुझे यह करना पड़ेगा। कुछ गीला है, शायद ये सिर्फ पानी ही है। चलो देखती हूँ। ये तो चाबी नहीं है, ये एक मछली है। देखो कितनी सुंदर है। बेहतर होगा कि मैं उसे जल्द से जल्द पानी में वापस जाने दूँ। हम अभी किसी और चीज की तलाश कर रहे हैं। और यहाँ चाबी है। मैरी मेरे साथ आओ। एक लाल चाबी का मतलब है कि हम इसका उपयोग लाल तिजोरी खोलने के लिए कर सकते हैं। चलो इसे खोले। ओह यह क्या, यहाँ डायनामाइट है। ओह डायनामाइट, कितना भयानक। ओह और हमें क्या करना चाहिए? मेरे पास एक आइडिया है। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने साथ कुछ वायर कटर लेकर आई हूँ। हाँ यह रहा। मैरी क्या तुम तार काट दोगी? नहीं, बेहतर होगा तुम इसे खुद करो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। उम्मीद है कि मैं इस डायनामाइट के साथ नहीं उड़ूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि पीला तार सही समाधान होगा। वाह यह काम किया। नहीं कुछ भी काम नहीं किया। अब मुझे वास्तव में तुम्हारे ब्रश की जरूरत है। यह एकदम भयानक था। मैरी क्या तुम आलस छोड़ोगी और जाके अपनी बॉक्स को खोलोगी? और चाबी लाओ, जाओ। ओह मैं मजबूत हूँ, इसलिए मैं इसे संभाल सकती हूँ। पता नहीं यहाँ क्या है। चलो देखती हूँ, यहाँ कोई कान है। ओह ये गमी बियर है। वैसे ये काफी स्वादिष्ट है, लेकिन मुझे चाबी तक पहुँचने की जरूरत है। ओह हाँ मुझे मिल गया, और मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती। ओह मिया तिजोरी खोलो। लो कर लो बात। चलो इसे तुम खुद खोलो। चलो देखती हूँ। हो अब मेरे पूरे चेहरे पर ग्लिटर लग गए हैं। ओ वाह इसे कूल मेकअप कर सकते हैं। पर अभी तुम्हें मेकअप की जरूरत क्या है? अच्छा हुआ कि अगली चाबी ढूंढो। हम केवल यह आशा कर सकते हैं कि अंदर कुछ भी बहुत डरावना नहीं हो। दिलचस्प है, कुछ तो चल रहा है। शायद एक डायनासोर या फिर एक मगरमच्छ। नहीं वे बहुत बड़े होते हैं। चलो देखिए कि वास्तव में क्या है। वाह मैंने पहले कभी असली गिरगिट नहीं देखा। यह कितना प्यारा है। मुझे लगता है कि मैं उसे आराम करने के लिए छोड़ देती हूँ। मुझे केवल एक चाबी चाहिए। यह रहा, अब हरे रंग की तिजोरी खोलने का समय है। ठीक है
चलो देखती हूँ। और पता नहीं अंदर क्या है। पैसे के लिए इस गन का उपयोग कैसे करेंगे? चलो देखती हूँ। वाह, यहाँ कितना पैसा है और यह मेरे लिए है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दुनिया की सबसे अमीर लड़की हूँ। वाह, पैसे की महक। मैं कितनी धनी हो गई हूँ। सभी अच्छी चीजें खत्म हो जाती है। मेरे पैसे मुझे वापस दे दो और हमारे लिए अगली चाबी ढूंढो। और अगर मैं थोड़ा देख लेती हूँ तो मेरी नजर तुम पर है। मुझे ईमानदारी से चाबी ढूंढनी होगी। अंदर छूने में कुछ अच्छा है या काइनेटिक सैंड की तरह लग रहा है। हाँ, और यहाँ चाबी है। यह नीली तिजोरी खोलने का समय है। ठीक है, पता नहीं, देखती हूँ क्या होगा। अगर मैं इस रस्सी को खींचूंगी तो क्या होगा? यह क्या है? वाह, इस रस्सी के खींचने से हमें और भी मिलेंगे। चलो इसे और खींचो। यह अच्छा है, मैं इन ऑर्बिस की असली रानी हूँ। कितना अच्छा। ओह वाह, ठीक है, ऐसा लगता है कि एक नई चाबी दिखाई दी। अब समय आ गया है कि मैं उसे ले लूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह क्या है। ये कीड़े हैं। मुझे जल्द से जल्द चाबी लेनी होगी और इस सामान को फिर कभी नहीं छूऊंगी। मेरी तबीयत खराब हो रही है। मैरी, मुझे बचाओ। सब कुछ अपने आप ठीक हो गया। कितना अच्छा है कि मुझे एक प्यारा गुलाबी तिजोरी मिला है। हाँ, तिजोरी प्यारी और गुलाबी जरूर है, पर यह फोम बिल्कुल प्यारा नहीं है। मुझे लगता है यह मजेदार है। मैं यह कर सकती हूँ। मैरी, चाबी लेने की तुम्हारी बारी है। कीड़े के बाद अपने हाथों को वहाँ डालना विशेष रूप से डरावना है। अच्छी, यहाँ फिर से कुछ बुरा है। लेकिन तुम्हें चाबी लेनी होगी। मैंने भी कीड़े में हाथ डाला था, इसलिए तुम्हें भी कुछ भयानक से गुजरना होगा। यह क्या है? यह आँख है। हाँ, यह आँख है। गमी और बहुत स्वादिष्ट। तुम क्या कर रहे हो? यह सिर्फ कैंडी है। चलो चाबी को ढूंढो। यहाँ, यह मिल गई। लो, तो यह नीली तिजोरी का समय है। चलो देखो क्या है अंदर। मिया, मैं तुम्हें इस बटन को दबाने का मौका देना चाहती हूँ। हो गया, मैंने बटन प्रेस कर दिया। क्या? मेरा बटन दबाना बेकार नहीं गया, नहीं तो मुझे इस नीली घिनौनी चीज के नीचे खड़ा होना पड़ता। खैर, मैं अगली चाबी लेने जा रही हूँ। यह क्या है? बाल? छी, कितना घिनौना। छी, ओह, मेरे ऊपर क्यों? ओह, कितना घिनौना है। मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया। और वैसे भी यह बेवकूफ चाबी कहाँ है? ओह, यहाँ है। यह सभी तिजोरियों में से सबसे गहरे रंग की तिजोरी को खोलने का समय है। ओह, चलो देखो कि इसके अंदर क्या है। वाह, इस गहरे तिजोरी के अंदर स्वादिष्ट स्ट्रीट्स है। यह ओरियो कुकीज का एक पूरा गुच्छा है। लो, तुम भी इसे खाओ। ओह, धन्यवाद। मिया, तुम कम से कम मुझे एक और कुकी दे सकती थी। तुम कितनी लालची हो, तुमने सारे खा लिए। ओह, ये बहुत स्वादिष्ट था। शायद अगली तिजोरी में कुछ अच्छा होगा। पहले मुझे चाबी ढूंढनी होगी। यहाँ कुछ स्लाइमी सा है। कच्चे अंडे की तरह लग रहा है, लेकिन मुझे चाबी ढूंढनी होगी। ओह हाँ, यह मिल गई। चलो देखिए कि पीले रंग की तिजोरी में क्या है। मिया, क्या तुम इसे खोलना चाहती हो? बेशक तुम करना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें करने नहीं दूंगी। पीछे हटो, वहाँ स्पष्ट रूप से कुछ अच्छा है। यह सच में कुछ अच्छा है। मैंने काफी दिनों से इतना मजेदार कुछ नहीं देखा था। हंसना बंद करो, बेहतर हुआ कि जाकर अंतिम चाबी ढूंढो। ठीक है, पंख वाली मुर्गी। अच्छा ठीक है, ढूंढती हूँ। पता नहीं यहाँ क्या है।
वे कीड़े हैं। मुझे जल्द से जल्द चाबी लेनी चाहिए। मैं डर के मारे लगभग बेहोश हो गई थी। मुझे आशा है कि इस तिजोरी में कुछ अच्छा है। हुरे! यह हमारी आजादी की चाबी है। हमने चुनौती पूरी कर ली है। यह बाहर जाने का समय है। यह बहुत मजेदार था, लेकिन हमें जाना होगा। यह काम किया। वाह!